नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान आपके बीच एक जानकारी भरी एक ऐसी खबर लेकर आया हूं, आप देखकर और सुनकर रह जाओगे दंग, क्योंकि बागपत में हाईवे पर अंधेरा है। उस हाईवे की बात कर रहा हूं, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे 709B की, जिस पर लाइट लगी है, खंभे लगे हैं, सारी बात है, लेकिन उजाला नहीं है। मैं दिखाना चाहूँगा, सबसे पहले तस्वीरों में देखें, 11:02 है, आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त खड़ा हूं और दिखाना चाह रहा हूं, जो कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर प्रशासनिक तौर पर निर्देश दिए हैं कि कांवड़ मार्ग पर अंधेरा ना हो, उजाला रहे, जिसको लेकर बागपत प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। डीएम राजकमल यादव लगातार लोगों से बात करें, वार्ता करें और तमाम जितने मार्ग हैं उन पर लाइट लगवाई है, लेकिन दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर 709B पर हाईवे पर ये लाइट लगी हुई है, आप देख सकते हैं, लाइट है, खंभे हैं, लेकिन बिजली नहीं है, उजाला नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक आप देखने को देख सकते हैं, जो कि NHAI के जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं बेशरमी की चादर ताणकर सो रहे हैं, जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और DM राजकमल यादव बागपत के सख्त निर्देश हैं, लेकिन उनकी बातों का भी उन पर कोई असर नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी शर्मसार, एक बड़ी चूक है। ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से अंधेरा हो रहा है पूरे हाईवे पर, जबकि मैं बताना चाहूँगा इस हाईवे पर ये टोल है, इस पर टोल भी वसूला जाता है, लेकिन लाइट नहीं है। और कांवड़ जो यात्रा है, कांवड़ की जो जितने भी भक्त हैं जो उत्तराखंड से आने वाले हैं, वो बागपत में आएंगे, इसी मार्ग के द्वारा आएंगे, और कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक आप देखने को देख मिल सकती है, क्योंकि साफ तौर पर ये वो तस्वीरें हैं, कहीं आप देख कर दंग रह जाओगे, ये खंभा है, इस पर कहीं लाइट नहीं, और ये बागपत से बड़ौद तक कहीं लाइट नहीं है, और जो NHAI के अधिकारी हैं ये कहीं ना कहीं एक बेशर्मी की या लापरवाही जो साफ तौर पर उनकी दिख रही है, ये बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांवड़ यात्रा जो है वो लगातार निकल रही है, और जो शिव भक्त हैं वो सड़कों पर आएंगे और अंधेरे में आएंगे, एक बड़ी बात है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि बागपत प्रशासन या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन पर कितनी बड़ी कार्रवाई होती है और कब तक, ये वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी के साथ देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश, बागपत।